गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा श्रीनगर में थर्ड डे है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। तो ये सब देख सकते हैं हमारे होटल का बाहर का व्यू है। और तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग गुलमर्ग के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा गेटअप, साइशा और मैं ट्विनिंग किए हैं, सेम कलर का जैकेट मैं खरीदी थी हम दोनों के लिए। और ये देखिए मॉर्निंग का व्यू डाल लेक का। हल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए गुलमर्ग के लिए। पहुंच जाएंगे। और कितना टाइम भैया लगेगा? आधा घंटा आप यहाँ पे पार्किंग करेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, हमें और ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको ड्रेस चेंज करना है, वो गमबूट और ये शूज। ये हो गया द्रंग वैली। अच्छा, द्रंग वैली इसी पे जाते। अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे, जो ओवर कोट टाइप का जैकेट है उसको पहन के ऊपर जाएंगे अभी, फिर वहाँ से घोड़ा लेके गोंडोला राइड तक जाएंगे। यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्किंग करके अभी घोड़ा में राइड करके गंडोला राइड तक जाएंगे। चलो मैडम। और यहाँ पे देख सकते हैं घोड़ा सब है। अभी हम लोग गंडोला राइड तक घोड़े में जाएंगे, फिर वहाँ पे फेज वन में फिर घूमेंगे घोड़ा में। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ, आप भी कश्मीर देखिए और एंजॉय कीजिए। हर्ष आ गया, हर्ष का नाम पूछोगी ना, क्या क्या है, कल जैसे तूफान में गई थी आज किस में जाऊंगी। साइशा को उसके पापा पकड़े हैं, लेकिन वो पूरा सो गई है और उतना हैवी जैकेट पहनी है ना, तो दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं एक हेल्पर कर लेंगे, उसको वो कंधे पे उठा के लेके जाएगा। तो वही सोच रहे हैं, क्योंकि दो आदमी हैवी हैवी जैकेट पहन के घोड़े में नहीं बैठ पा रहे हैं और साइशा ऊपर से सो भी जा रही है। ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी हम लोग घोड़े में जा रहे हैं केबल कार के पास गोंडोला राइड करने के लिए। तो देख सकते हैं पहाड़ों में पूरा बर्फ दिख रहा है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो पूरा पहाड़ों में बर्फ है। घोड़े वाले हम लोग को छोड़ देंगे केबल कार के पास, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे केबल कार में फेज वन तक। वो फिर वो लोग फेज वन में रुकेंगे, हम लोग को फिर फेज वन से थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे घोड़ा में। तो देख सकते हैं ये गुलमर्ग गोंडोला वेलकम यू लिखा है। फाइनली हम लोग आके पहुँच गए हैं केबल कार करने के लिए, गोंडोला राइड करने के लिए। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं गंडोला राइड करने के लिए। तो यहाँ पे पूरा लाइन लगना पड़ता है, और यहाँ पे पहले वन मंथ पहले ही बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन। उसका साइट है गंडोला राइड साइट है एक, और पर हेड फेज वन के लिए 850 और फेज टू के लिए शायद और 100-200 रुपया ज़्यादा होगा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो वो सब पूरा लिखा है साइट में, आप लोग देख सकते हैं। कोई जो टिकट कर रहे होंगे उनका साइट है, तो वहाँ पे आप लोग देख के टिकट बुक कर सकते हैं वन मंथ पहले ही।
तो जो कोई फेज़ टू के लिए जाना चाहते हैं वो फेज़ वन में पहले उतरेंगे, फिर फेज़ वन से फिर गोंडोला जाएगा फेज़ टू के लिए। हम लोग का खाली है फेज़ वन का, हम लोग फेज़ टू नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग घोड़ा किए हैं फेज़ वन से थोड़ा सा बीच तक, फेज़ टू का बीच तक हम लोग घोड़ा वाला घुमा के ले आएगा, क्योंकि फेज़ वन में उतना बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ा होगा। अभी हम लोग चढ़ेंगे, केबल कार हमारा आ गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का गंडोला राइड करते हैं। चलो ऊपर गए, बोलो साईं बाबा रक्षा करो, साईं बाबा बचा लो। हेलीकॉप्टर ने केबल का मम्मी कौन पे साई बाबा। फेज़ वन का नाम है कंगदोरी, तो हम लोग फेज़ वन में अभी पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं फेज़ वन में गंडोला राइड के थ्रू, तो अभी हम लोग जाएंगे घोड़े में थोड़ा सा ऊपर, वहां पे स्की वगैरह करेंगे, तो चलते हैं मेरे साथ, वीडियो में बने रहिए क्या क्या कर रहे हैं आगे। तो उससे पहले मेरे चैनल में जो भी कोई नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं जो साइशा के लिए हम लोग हेल्पर हायर किए थे वो उसको पकड़ा है, और वो जितना हम लोग यहाँ पर जितना टाइम रुकेंगे वो पूरा उसके साथ रहेगा। साई साहब बोल रहे हैं मुझे भी घोड़े में बैठना है, लेकिन दोनों बैठ नहीं सकते हैं ना इतना हैवी हैवी जैकेट पहन के। क्या छलन मार्ग? छलन मार्ग, छलन मार्ग। अच्छा, यहाँ पे सब स्की वगैरह होता है क्या? स्की वगैरह, स्लेज। अभी तो उतना बर्फ नहीं है, बर्फ थोड़ा पड़ा है ना यहाँ पे, उतना बर्फ़ नहीं पड़ा है, तो इसीलिए हमारे घोड़े वाले भैया जो फेज़ वन और फेज़ टू के बीच में जहाँ एक पॉइंट लेके जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बर्फ़ पड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है वो पहाड़, पूरा जैसे पतला लेयर्ड में जैसे स्नो पूरा पहाड़ के ऊपर ढंका हुआ है उस टाइप का दिख रहा है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, घोड़े से उतर गए हैं। आलू पत्थर, वो झलन मर गया आलू पत्थर, देख सकते हैं बर्फ है। वो वीडियो नहीं जीवा रही था हमने, आओ तो ग्लोव्स पहन दो, ग्लोव्स पहन देंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऊपर आ गए हैं, और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर, कश्मीर का व्यू है, वाओ सो ब्यूटीफुल। पैर देखिए फंस जा रहा है। दिसंबर 15-20 के बाद और ज़्यादा स्नो पड़ जाएगा, स्नोफॉल हो जाएगा, तो और ही बहुत ही सुंदर दिखेगा यहाँ का व्यू।
फ्रोजन में बर्फ में एंजॉय कर रही हूँ। साई का काम यार। मैडम कैसा लगा? मैडम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है ना? यहाँ का लोग कैसा लगा? बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। देख सकते हैं हम लोग कितना मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साइसा तो बर्फ देख के इतना खुश हो जा रही है, पूछिए मत खाली, मम्मा मम्मा मैं बर्फ में खेलूंगी खेलूंगी बोल रही है। यहाँ पे हम माँ बेटी एंजॉय कर रहे हैं और देखिए हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है, स्नोफॉल के साथ हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं, स्नोफॉल भी हो गया और स्नोफॉल में हम लोग बहुत एंजॉय किए। कल नहीं हुआ था स्नोफॉल लेकिन आज हुआ स्नोफॉल, उसमें बहुत हम लोग एंजॉय किए। देख सकते हैं हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ लेकिन जितना भी स्नोफॉल हुआ हम लोग बहुत एंजॉय किए। ऐसे भी हम लोग शिमला मनाली में हम लोग हैवी स्नोफॉल एंजॉय किए थे, उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। अभी हम लोग स्लेड गाड़ी राइड करने के लिए आ गए, पहले राइड था डैडी जी का, देख सकते हैं डैडी जी स्लेड राइड एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद साइशा का टर्न आएगा, साइशा का स्लेड गाड़ी एंजॉय देखिए कैसे वो आ रही है राइडिंग करके, कि उनका गाइड रहते हैं वो चलाते हैं, हम लोग खाली बैठते हैं। साइशा तो बहुत खुश हो रही थी, उसको अकेले आना था, रोई नहीं मैं अकेले आऊँगी हम लोग के साथ, और उनका था एक जन के एक जन ही आएंगे, तो दोनों तो बैठ नहीं सकते क्योंकि वो भी चलाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग साइशा के लिए भी एक किए थे। अब मेरी टर्न देखिए। Главный бес мула. Да на что? देखिए कैसे स्नोफॉल हो रहा है, हल्का हल्का स्नोफॉल हमारे ऊपर स्नो पड़ रहा है। अभी हम लोग स्लेट गाड़ी एंजॉय करके आए, स्लेट गाड़ी राइड करके आए और देख सकते हैं कितना सुंदर कश्मीर दिख रहा है गुलमर्ग। और लकीली हमारा आज का दिन स्नोफॉल हो गया तो बहुत एंजॉय किए स्नोफॉल। अभी जा रहे स्की करने के लिए, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। हम लोग ऊपर गए थे ना तो घोड़े से अभी थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं जहाँ पे स्की हो रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? स्प्रिंग वैली, स्प्रिंग वैली सेवन स्प्रिंग। अच्छा उसमें क्या है सेवन स्प्रिंग में? जमीन के नीचे से पानी निकलता है। अच्छा जमीन से नीचे से। अभी सूरज भी आया है, स्नोफॉल भी अंदर से, अंदर से अंदर से पानी आएगा। हाँ वो देखो ना, भरती भरती नहीं होता है क्या? भरती पूरा भरती नहीं होगा? नहीं नहीं भरती कम, वो नीचे निकल जाते हैं ना, वो देखो अभी ये ठंडा होगा। ये वाला है झरना, कुछ नहीं है। हां तो दिख रहा हूं सेवन स्प्रिंग मतलब सात जगह से पानी निकलता है।
यहाँ पे मैं स्की करने के लिए रेडी होके आ गई हूँ। और यहाँ पे ना आप लोग जितना स्की हो या स्लेड हो जितना भी नेगोशिएट कर सकते हैं, घोड़े हो, नेगोशिएट करने से अच्छा रहेगा। और यहाँ पे तो नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बोलते हैं। देख सकते हैं मैं अभी स्की कर रही हूँ, ये मेरा सेकेंड टाइम है। पहले मैं शिमला मनाली में की थी फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे मेरा सेकेंड टाइम है और बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे थोड़ा कम बर्फ़ है ना, तो इसीलिए उतना मतलब ये नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बर्फ़ में ज़्यादा होता है। की वगैरह जितना वो कॉस्ट बोलेंगे ना, और जो ट्रेनर लोग, उससे आधा से आधा आप नेगोशिएट स्टार्ट कीजिएगा। मैडम जीत गई। अभी शाम भी होने लगा और यहाँ पे हमारा सब कुछ घूमना और एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गया। फिर से हम लोग आ गए हैं गंडोला राइड करने के लिए। नीचे जाएंगे, फिर वहाँ से घोड़े में फिर पूरा कार के पास जाएंगे। देखिए इवनिंग में कैसे दिख रहा है गुलमर्ग। और ये रास्ता जो है घोड़े का रास्ता है। देखिए इवनिंग का व्यू, देखिए वो जो माउंटेन दिख रहा है, हम लोग पूरा ऊपर गए थे, वहाँ पे गए थे घोड़े से। दूर से कैसा दिख रहा है, अंधेरा हो गया है ना, तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ये टकबक टकबक करो, ये ऐसा ही कुछ था आज का दिन गुलमर्ग में। और वीडियो कैसा लगा क्या मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, सब कुछ चीज़ में आप लोग नेगोशिएट कीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा हो या एक्टिविटीज़ वगैरह हो, सब कुछ में वो पैसा ज़्यादा बोलते हैं, तो आप लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी किए थे जो गुलमर्ग में, वो सब भी देखिए। और वीडियो कैसा लगा क्या मुझे बताइएगा। और जो भी कोई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रहती हूँ, नमस्ते, जय जगन्नाथ, बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।
Whip up my appetite. Don't leave me.